हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गार्डन्स। आज हम लोग इधर इस स्टॉल के पास जाने हैं कि शहद के बारे में जानेंगे, और हम आपको एक सर से मिलाने जा रहे हैं जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो अपना अभी एग्री बिजनेस जो है स्टार्टअप किए हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं और इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं शहद के बारे में। लीजिए सर। मैं रंजीत कुमार, मेरा जो स्टार्टअप कंपनी का नाम है इन्वेटिव वी फार्म प्राइवेट लिमिटेड। मैं शहद पे काम करता हूँ, स्पेशली एपिस मेलिफेरा स्पीसीज है जो बॉक्स में किया जाता है, मैं उस पे काम कर रहा हूँ। उस पे डिफरेंट डिफरेंट उत्पाद हैं, जैसे कि बी पोलन है, जैसे कि ए उत्पाद बी पोलन है, बिल्कुल बिहार में नया है। इसको यूज क्यों करते हैं, पूरा प्रोटीन फोर्स है, जितने भी तरह के बीमारी बोले, जैसे कि शुगर रोज बोलते हैं, त्वचा है, लीवर फिरोसिस है, इसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए प्रोटीन फोर्स बहुत ही ज़्यादा है। इसको मल्टीविटामिन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसको देखिए, ये बी पोलन है, प्योर गर्नुल फॉर्म में है, प्लांट में, प्लांट के फूल में पाउडर फॉर्म में होते हैं, लेकिन मधुमक्खी इसको गर्नुल फॉर्म में लाती है, वहाँ से हमने कंजम्पशन करते हैं। और दूसरा जो प्रोडक्ट हमारा कॉम हनी है। कॉम हनी बोले तो मैंने कॉम हनी बोलने का मतलब है कि इसमें कोई तरह का भी अल्ट्रेशन नहीं होगा, मैंने कोई तरह का मिलावट नहीं कर सकते हैं। प्योर छत्ता के साथ साथ है, कोई भी तरह का मिलावट नहीं हो पाएगा। हाँ, कॉम मनी है, इसमें कोई तरह का मिलावट नहीं है। और इसको खाने से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि आपको हार्ट अटैक में चांस बहुत कम कर देता है, आपको लीवर स्मूथ कर देता है। ये अभी इंडिया में बहुत कम जगह मिल रहे हैं। हमने इसको सुपर चैम्बर से देखे, हम फोटो में देखिए, सुपर चैम्बर से हमने इसको निकालते हैं। दो तरह का चैम्बर होते हैं, ब्रूड चैम्बर, सुपर चैम्बर। सुपर चैम्बर से केवल ही कॉम हनी बनता है। और हमारा तीसरा प्रोडक्ट है जो रोहनी है, बिल्कुल रोहनी, देखिए ये प्योर हिमाचल हनी है, ये प्योर है हिमाचल हनी है, इसको बोलते हैं वाइट हनी बोलते हैं। ये भी क्या करते हैं, सुपर चैम्बर हम लोग निकाले हुए हैं, सुपर चैम्बर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से निकालते हैं इसको। हैं इसमें कोई भी तरह का प्रोसेसिंग नहीं करते हैं। बहुत सी कंपनियाँ हैं जो शहर में शहद को मार्केट में बेचते हैं तो प्रोसेसिंग करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, हाँ केमिकल्स नहीं, प्रोसेसिंग करते हैं, मैंने हीटिंग करते हैं डबल चैम्बर में। हम लोग ने हीटिंग भी नहीं किया है, बिल्कुल रॉ शहद है। रॉ शहद बोलने का मतलब कि विदाउट हीटिंग है। हीटिंग करने से क्या होता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है जो कम जाता है, उसके अपेक्षा मार्केट में जो हनी है, आइस हनी में न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है। और हम अभी 30 किसानों को प्रशिक्षण दे चुके हैं, जैसे कि वैक्स का जो उत्पाद है, तो बी वैक्स कैंडल भी बनाते हैं, हम लोग को प्रशिक्षण देते हैं। और बी कीपिंग से जितना भी रिलेटेड तरह का जो भी है प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ साथ इक्विपमेंट भी उसको चाहिए। तो कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है वो भी हम सेल करते हैं। ये भी कॉमन ही है, ये अमेरिका का कॉमन ही है। हमने डिफरेंस दिखा रहा है कि अमेरिका के कॉमन ही देखिए किस टाइप का होता है और इंडियन कॉमन ही किस टाइप का है, क्योंकि पैकेजिंग में दोनों डिफरेंसेज है। क्योंकि देखिए, ई प्योर तरफ वाइट दिख रहा है, तो इस टाइप का पैकेजिंग जब इंडियन हो जाएगा तो ये भी प्योर वाइट दिखेगा। ये बार बार खोलते हैं, लगाते हैं, इसलिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है। ये देखिए प्योर कितना हार्ड है, इसको कहूँ भी ट्रांसपोर्ट भी कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। इस टाइप का पैकेजिंग हम भी इंडिया में चाह रहे हैं लाने के लिए, इसको लाने का मकसद मिलनी हमारा ये है। दोनों सेम है, कॉम हनी है, दोनों सेम है, केवल पैकेजिंग के लिए मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, पैकेजिंग में डिफरेंस है। इसमें देखिए, इसमें बाहर से कुछ तो नहीं दिख रहा ना, और इसमें देखिए बाहर से दिख रहा वैटनेस दिख रहा है, वैक्स जो फोटो में है उस टाइप का दिख रहा है, वैक्स वैटनेस दिख रही है ना, वही है। आपने बताया कि ये जो हनी है, कौन किस किस टाइप से होते हैं, इसमें ज़्यादा ये न्यूट्रिशस वैल्यू ज़्यादा होता है, और क्या क्या इसके विशेषताएँ हैं, सारे को इन्होंने डिस्क्राइब किया। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।